वेलकम। आज अपने लोग पढ़ेंगे क्लास टेंथ का मैथमेटिक्स ट्रिगोनोमेट्री से। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और कंसेप्चुअल है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन, जैसा कि आप थंबनेल में भी देख लिए होंगे और यहाँ भी मैंने लिख दिया है, ये आपको गिवन दिया है। क्लियर, इस सब को मतलब इसकी मदद से ये आपको गिवन दिया। ठीक है, इसकी मदद से आपको इतना का वैल्यू क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, इस क्वेश्चन में हाई और बहुत ही ज़्यादा कंसेप्चुअल, लेकिन इसमें दो चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। पहला फॉर्मूला एंड दूसरा विवेक, दैट मीन्स बुद्धि, नॉलेज। दो चीज़ अगर आपके पास है, ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन बन जाएगी। अब बात आता है कि दो चीज़ डेवलपमेंट कैसे होगा। बेसिक से होगा, जो 8, 9 ये सब पढ़ा होगा ना अच्छा से, उसको ही क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अल्जेब्रिक फार्मूला लगेगा, तो अल्जेब्रा का फार्मूला आपको याद होना चाहिए। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल क्यूब, ये जितने भी फार्मूला होते हैं वो आपको याद होना चाहिए। और प्लस अब जब भी आप 8वां 9वां अच्छा से पढ़ लोगे, फार्मूला से आपको लर्न होगा, तो आपका बुद्धि ऑटोमेटिक थोड़ा बहुत या ज़्यादा काम करने लगेगा। ठीक है, ये प्रैक्टिस के ऊपर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे गिवन। गिवन गिवन में क्या दिया है, गिवन में ये दिया है, तो इसको सबसे पहले उतार लेंगे। अब इसको उतार के सबसे पहले हम इसमें साइन थीटा का वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, किसका वैल्यू निकालेंगे, साइन थीटा का। एक और यहाँ पे प्लस है, ये इधर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन का थीटा। क्लियर हुआ ना ट्रांसपोजिशन? प्लस था बराबर किधर चला गया, तो माइनस है, माइनस बराबर किधर चला जाएगा, तो प्लस। फिर बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन थीटा। फिर इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कोस का थीटा। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत, यहाँ तक हम क्या करेंगे, यहाँ तक हम इसको क्या करेंगे, रख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आगे देखिए, आगे क्या है कि इसे आगे आप कैसे बनेगा, यहाँ तो आप यहाँ पे इक्वेशन वन भी मान सकते हो। ठीक है, अब देखिए ये कैसे हुआ, देखिए 1 माइनस साइनस का थीटा हुआ ना, तो इसका क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइनटीटा का फॉर्मूला क्या होता है, पी बटे एच होता है, और स्क्वायर है, स्क्वायर दोनों और लगाएंगे, इसको तोड़ेंगे, तो इस टाइप का आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, नीचे में तो एच स्क्वायर एक का लघुत्तम करेंगे तो एच स्क्वायर होगा, यानी कि एलसीएम। एक को कितना पढ़ेंगे, एच स्क्वायर आएगा, एच स्क्वायर बार उसको एक से करेंगे तो एच स्क्वायर माइनस, ये दोनों इधर मिल गया, यानी कि एच स्क्वायर को कितना पढ़ेंगे, एच स्क्वायर आएगा। एक बार उसको पी स्क्वायर से करेंगे गुना, तो पी स्क्वायर। अब देखिए बड़ा में से छोटा है, एच का मान बड़ा होता है ना जी, हाइपोटेनस क्या होता है, लॉन्गेस्ट साइड होता है, तो एच स्क्वायर में से पी स्क्वायर को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा, या बटे एच स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। अब इस चीज़ को हम ऐसे करके लिख सकते हैं, बी बटे एच दोनों में स्क्वायर है, तो एक जगह कर देंगे तो इसका क्या हो जाएगा, फॉर्मूला कोस थीटा, कोस थीटा का 2 है, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोस थीटा को 2 बार लिखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, कोस उसका थीटा, तो हो गया ही खत्म। क्लियर, अच्छा, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे ये दिया। अब आता है कि इसका आगे कैसे बनाएंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये ऊपर का उतार देंगे सबसे पहले, आप लगेंगे ना ये पूरा उतार देंगे ऐसे करके, थीटा ये वाला कोस ए थीटा, ये सब क्या किए, अच्छा से उतार दिए। अब देखो, अब यहाँ पे क्या करो, हालांकि इसको आप एक और तरीका से बना सकते हो, तो दोनों तरीका अगर मैं इस वीडियो में बताऊंगा तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मैं अभी फर्स्ट मेथड बता देता हूँ, फ्यूचर में कभी मैं सेकेंड मेथड बताऊँगा, लेकिन कब बताऊँगा उसका गारंटी नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि आपको तो सवाल बन गया, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और एक तरीका और कब दूंगा वो मैं आपको प्रोमिस तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन हाँ कभी टाइम निकाल के होगा तो दे दूंगा। क्लियर, अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ थोड़ा हल्का सा भरे लगाएंगे, हल्का सा भरे लगाएंगे, तो मैं सोचूंगा कि ये जो 12 है ना, ये वाला, ये कौन सा, ये कोस 12 थीटा, तो इसको मैं एक जगह ले लूँगा,
क्यों ले लूंगा, क्योंकि इससे मेरा ए क्यूब ही लग रहा है देखने में, ए क्यूब जैसा लग रहा है देखने में, तो मैं इसको ए क्यूब पर सेटिंग करूंगा। ठीक है, फिर मैं इसको ऐसे करके ले लूंगा। ठीक है, इस टाइप का क्लियर। फिर मैं इसको ऐसे करके ले लूंगा, यहाँ तक कोई दिक्कत। फिर यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा इसको, ये तो हो गया। अब फिर यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे ये 12 हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, ये 10 हो गया, 8 हो गया, फिर यहाँ पे ये 6 हो गया। फिर मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इस सबको ब्रैकेट में लूँगा और इस सब में देखूंगा हमको कॉमन क्या मिल रहा है। इस सब में कॉमन क्या मिल रहा है, दो मिल रहा है, दो 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 कॉमन माना। कॉमन कैसे निकाला जाता है मैंने पिछले वीडियो में बताया हुआ, हर एक वीडियो में लगभग मैं बताता हूँ। तो इस सब में कॉमन क्या लेंगे, दो लेंगे। अब इसको ऊपर देंगे और इसको नीचे देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस 4 थीटा होगा कि नहीं होगा। अच्छा, फिर यहाँ पे प्लस, इसको ऊपर देंगे इसको नीचे देंगे तो क्या हो जाएगा, ये कॉस का थीटा होगा ना, फिर माइनस 2। इस हिसाब से आप प्लीज प्ले लिस्ट में जाओगे ना, तो प्ले लिस्ट में बहुत सारा वीडियो पड़ा हुआ है। ठीक है, बहुत सारा वीडियो मैंने अपलोड करके रखी हुई है, आप वहाँ सब देखोगे ना तो आपको क्लियर होगा कि कॉमन कैसे निकाला जाता है। और इस वीडियो में मैं इसका सेकंड मेथड भी बताऊंगा, कॉमन कैसे निकालते हैं वो भी बताऊंगा, हर चीज़ बताऊंगा। तो 2 घंटा लग जाएगा, 1-2 घंटा का वीडियो हो जाएगी, तो बहुत लंबी हो जाएगी, तो आप लोग भी बोरिंग टाइप का हो जाओगे। तो इसलिए मैं यहाँ पे अपना भर बता दिया, फिर भी आप अच्छा से, आपको आता है तब तो ठीक है, क्योंकि 9वां 10वां 7वां में पढ़े होंगे। नहीं आता है तो आप प्ले लिस्ट में जाके देखो, कोई भी वीडियो उठा के देखोगे उसमें आपको ये मिलेगा ही। ठीक है, क्योंकि देखिए इस सवाल में कहीं ना कहीं जोड़े घटों का ना भाग होता है और ये सब हर सवाल में आता है। फिलहाल में देखो सब में क्या मिल रहा है, 2 2 2, तो 2 हो गया। यहाँ पे क्या देंगे, इसको ऊपर देंगे इसको नीचे देंगे तो ये आ गया, इसको ऊपर देंगे इसको नीचे देंगे तो ये आएगा। फिर इसको चेक करो कि मेरा सवाल सही की गलती, और यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गया, इससे ये कट गया तो 1 हो गया यहाँ पे। देखो वैसे भी चेक में पकड़ा ये जाता, क्योंकि आगे तो मैं बनाऊंगा नहीं अभी, क्योंकि इसको चेक करो, देखो प्लस 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 इसको ऐसे गुना के तो ये प्लस 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 इसको ऐसे गुना के तो ये प्लस और माइनस माइनस, देखो 2 को 2 से गुना के तो 4 आता, लेकिन अभी यहाँ पे ये 2 ऊपर देंगे 2 नीचे देंगे कट जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस 2 में से किया तो सॉरी 2 1 को गुना करेंगे तो 2 आया, मतलब इसको ऐसे गुना किया तो ये, इसको ऐसे गुना किया तो ये, इसको ऐसे गुना किया तो ये। आपको इस टाइप का नहीं करना है, मतलब गैदरिंग नहीं करना, काट कर उतना नहीं करना। अच्छा, अब यहाँ पे देखो मैंने स्टार्टिंग में क्या बताया था, फार्मूला का कमाल है। आप इसको, मैंने सोचा इतना में तो कॉमन नहीं आएगा कुछ हो, इतना में कॉमन नहीं आएगा, तो इसलिए मैंने क्या सोचा कि इसको ऐसे करके उतार दिया। और फिर इसमें मैंने सोचा कॉमन आया तो कॉमन में निकाला। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या किया कि देखा मैंने कि इसको मैं क्या सेटिंग कर सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे इसको मैं सेटिंग कर सकता हूँ ए क्यू प्लस 3। ठीक है, 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यू, इसको मैं इस टाइप का सेटिंग कर सकता हूँ। अब बोलेगा सर तक ये तो खाली है, तो एक सेकेंड देखो, इस टाइप का फॉर्मूला होता है ना, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर। ठीक है, इसको ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, ये अपने लोग इस पर सेटिंग किए हैं ना इस पर। अब देखो, अब यहाँ पे क्या रखोगे कि आ जाएगा, यहाँ पे क्या रखोगे कि ये आ जाएगा। ठीक है, तो देखो कॉस क्या रखोगे, 4 रखोगे, हुआ ना 4 3 12 हुआ कि नहीं हुआ। अब अगर आप कन्फ्यूज करती हो तो देखो इसका भी समाधान है, क्या है कि यहाँ पे को एक सेकेंड, यहाँ पे था कॉस 12, अब आपको 3 बड़ा लिखना है, तो ऊपर में 3 है ना, तो इसका क्यूब रूट निकाल दो। देखो इस टाइप का 3 क्यूब रूट निकाल दो 12 का। ठीक है, तो ऐसे करके क्यूब रूट निकाल दो, 12 है तो 12 बार लिख दो, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, ऐसे करके 12 बार लिख दो, 3 3 का जोड़ा लग जाएगा, 1 गो 2 गो 3 गो, 3 3 का जोड़ा लग जाएगा, तो वो यहाँ पे हम क्या करेंगे, उतार देंगे, तो हो जाएगा 4 3 12। इस टाइप का भी आप सोच सकते हो। ठीक है, होगा ना, 3 3 का जोड़ा निकलेगा तो 1 गो cos थीटा निकलेगा, फिर 1 गो निकलेगा, फिर 2 निकलेगा, फिर 3 निकलेगा, फिर 4 निकलेगा। ठीक है, क्यों 3 3 का जोड़ा क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे 3 है। तो इस टाइप का भी आप सोच सकते हो, आपके पास 2 चॉइस है,
ठीक है, पहला चीज है तो अंदाजे कर लो या तो रखो। अब देखो एक सेकेंड, अब यहाँ पे हमें एक बात बताओ, यहाँ पे एक बात बताओ कि ये जो था ए क्यू प्लस थ्री ए स्क्वायर, अच्छा से लिख देता हूँ, ए क्यू जो थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यू, इसमें आप कुछ गौर किए क्या कि ये ए और ये ए इक्वल होता है, ठीक है, और ये भी ए क्या होता है, इक्वल होता है बराबर, ठीक है। फिर यहाँ पे ये वाला बी और यहाँ पर भी ये सभी क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है। हमें एक बात बताओ कि ये यहाँ पर थीटा दे देंगे ऐसे करके थीटा, तो ये वाला ना यहीं पे होगा, देखो यही ए उठ के ना यहाँ पे आया है तो ये तो इक्वल होगा, तो यहाँ पे क्या देंगे कोस 4 थीटा, थोड़ा बहुत छोटा बन गया। अब यहाँ पे देखो मैं मुंह से बोलता हूँ आप समझो, ये ऐसा ये यहाँ पे है ना इस टाइप का है, तीन 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 और इंटू कोस 4 थीटा है, कोस का पावर 4 है फिर थीटा है फिर यहाँ पे स्क्वायर है, चल जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं ना। फिर यहाँ पे देखो, फिर मैंने सोचा एक सेकेंड कि ये आपको लाना है, देखो अब यहाँ पे क्या देंगे, ठीक है, यहाँ पे क्या देंगे तो यहाँ पे कहाँ से रिक्शा मार के देते हैं इधर, ये जो है ये देखो ये पीछे का जो रहता है पावर 3, इसी यही बलाना, यही बलाना, ये 3 हट के ये भी यहाँ आ जाता है इस जगह पे, क्योंकि यहाँ पे एक है तो इसको ऐसे करके बंद कर दोगे तो यही भी उठ के यहाँ आएगा। तो फिर मैंने सोचा अगर ये आपको थोड़ा ज़्यादा हो गया, आप नहीं समझ में आता आपको तो ठीक है, तो और जुगाड़ है, क्या जुगाड़ है, ये है आपको यहाँ पे देखिए बहुत तरीका होता है, आपको आना चाहिए, तो ये लाना है आपको, ठीक है, ये लाना है, तो आपको क्या दिया है, ये दिया है, तो यहाँ पे आप क्या दोगे, देखो कोई टेंशन नहीं है, इसको ऊपर कर दो, इसको क्या कर दो, नीचे कर दो, कोस 4 दूना 8 थीटा हो गया ना, तो ये 3 से 3 क्या हो गया, कर गया, ये 8 है ये कोस थीटा है तो कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ऐसे कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। देखो फिर मैं बताता हूँ, हम एक बात बताओ, ये 15 है और आपको 5 दे दिया है, आप बताओ यहाँ पे क्या दोगे कि 15 आएगा, तो 15 को ऊपर करोगे 5 को नीचा करोगे तो 3 आएगा कि नहीं आएगा, तो हमारा 5 से 15 होता है एग्जैक्टली, यहाँ पे 3 cos 10 थीटा, ठीक है, और आपको ये दे दिया है, तो यहाँ पे आप क्या रखोगे, वही रूल अप्लाई करो, इसको ऊपर करो cos 10 थीटा और इसको क्या करो नीचे करो, आप इसको ऐसे करके उतार दो, फिर 3 इसको तोड़ो और 4 दूना 8 थीटा, 3 से 3 करके यहाँ पे गुना है, ठीक है, फिर ये वाला से ये वाला कर गया तो कितना हो गया cos 2 थीटा, तो यहाँ पे हम क्या क्या कर देंगे cos 2, यहाँ पे cos 2 थीटा, तो जोड़ो देखो आ गया, देखो ये 3 है तो 3 है, इस दोनों को गुना करेंगे 4 दूना 8 8 2 10 आया ना ये वाला, मतलब इस सब को इससे गुना करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। अच्छा तो मैं यहाँ पे क्या दे दूंगा cos²θ, क्या दे दूंगा यहाँ पे मैं cos²θ, यहाँ पे क्या दे दूंगा cos²θ। अच्छा अब यहाँ पे देखो 3a²b, तो 3ab², तो ए ये cos²θ ए पी पी फिर यहाँ पे ये वाला, ठीक है, और इसको ऐसे करके आप उतार दो, हालांकि आप यहाँ पे इसको प्रोसेस भी कर सकते हो, मैं बाद में करूँगा, चुपचाप मैं यहाँ पे उतार दूंगा इसको, अब इसका काम तमाम भी कर सकते हो, मान मान फुट फुट करके आगे, मैं इसको बाद में करूँगा, इसको इसको ऐसे करके उतार देंगे। यहाँ पे आपको थोड़ा गैदरिंग अगर आपको लग रहा है तो आप क्या करो, इसको ये छोड़ दो, यहाँ पर मैं अच्छा से इसको उतार के बना देता हूँ, आपको ये लग रहा है ना कि थोड़ा गैदरिंग टाइप का हो गया, तो मैं एक काम करता हूँ, पहले मैं समझा देता हूँ, ठीक है। देखो तो ये क्या हो गया, ए क्यू हो गया, ठीक है, 3a²b + 3ab² + bq, अभी मैंने बताया तो उस पर सेटिंग किया, तो
आपको लग रहा है कि घोच मोच हो गया, ठीक है, यानी कि इसको इस रेन को मैं हटा देता हूँ, गलती नहीं था, ठीक है, बार बार कर रहा हूँ, गलती नहीं था, तो आपको थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा होगा, छोटा छोटा मैंने लिखा, इसलिए तो मैं इस पेज में लिखता हूँ अच्छे से बड़ा में, ठीक है। देखो इस रेन को मैंने क्या किया, यहाँ से उठा के इधर दे दिया ताकि आपको समझ में आए, कॉस फोर थीटा तीन, ठीक है। देखो यहाँ यहीं ना था, बहुत छोटा छोटा हो गया कि रिटर्न टाइप का, यहाँ पे उतार देंगे, अब थोड़ा अच्छा लग रहा है देखने में, बराबर देखो ये, हो गया कॉस है, ठीक है, हो गया। ये वाला जो था अपने लोग क्या बोले, अभी आप प्रोसेस भी कर सकते हो, या तो ऐसा ही उतार दो, तो ऐसा ही उतार दो, जोर दो, जगह रहता है इसलिए मैंने ऐसे उतार, आप समझो ना, आप ऐसे समझो, ये वाला है ना, ये वाला उठा के समझो यहाँ दे दिया, अच्छा ठीक है। इसको चेक करो, देखो इसको, देखो इसको, इसको तोड़ोगे ये वाला आएगा, ठीक है, फिर इतना आपको लाना है तो इतना को तोड़ोगे तो ये आएगा, ठीक है, फिर इतना को तोड़ोगे तो ये आएगा, इतना को तोड़ोगे तो हुआ ना द्वितीय अक्षर, यानी कि इसको तोड़ोगे तो ऊपर का आ गया, तो मेरा सवाल सही नहीं है, मतलब सॉरी मेरा सवाल सही है, कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है, तो उल्टा बोला गया, सॉरी, तो मेरा सवाल इस तरीके का सही है, अगर नहीं आता तब सही नहीं होता, गलती होता, तो ये ए क्यूब हो गया प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए थ्री ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब, तो सबको तोड़ के ये आएगा, कैसे सेट किया मैंने, ए क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर, ये तो पीछे से देख समार गया उसका बी, फिर मैंने यहाँ पे फंस गया, फिर मैंने सोचा यहाँ पे मैं क्या दूँ कि आ जाएगा, तो पहला तो मैंने दिमाग से दे सकता हूँ, दूसरा है इसको मैंने ऊपर किया, इसको नीचा किया, काट कूट के मैंने यहाँ पे ये ला दिया, फिर मैंने चेक किया तो मेरा ये बला गया तो सही है, फिर मैंने सोचा थ्री थ्री ए ये तो यहाँ से देख समारा, अब यहाँ पे बी को यहाँ पे ऊपर देके इसको नीचे देने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यहीं से देख समार के यहाँ पे देंगे ना, एक ही देखो एक ही रहता है ना, यहाँ का एक ही रहता है, यहाँ का एक ही रहता है ये सब, ठीक है, फिर मैंने सोचा ये तो और इजी हो गया, बी है तो यहाँ से देख समारो, यहाँ से देख समारो, कहीं से भी देख समार के यहाँ पे दे दो जगह है सेम ही होगा, यहाँ पे दे दिया, फिर मैंने सबको तोड़ा तो या किया, फिर मैंने सोचा ये किसका फार्मूला है, तो ए प्लस यहाँ पे ये किसका फार्मूला है, ए प्लस बी का होल क्यूब फार्मूला है, तो ए कॉस है, ठीक है, ये कॉस कॉस फोर थीटा कॉस फोर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इस टाइप का, तो मैंने क्या सोचा यहाँ पे को ए ए ए और प्लस बी 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 कौन है इसमें, ए तो ये हो गया यहाँ पे चार दे देंगे ए बी तो थ्री ए स्क्वायर बी तो ए बी, ठीक है, ए प्लस बी का होल इसका फार्मूला है, कौन है इसका फार्मूला, फिर यहाँ पे प्लस देखिए इसको इसको वैसे क्या करेंगे उतार देंगे ये वाला इस टाइप का, आपको कहीं पर ये लिखना पड़ेगा आपने कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया है, कहीं पर आपको ये वाला जो है ये जो आप किया है ना ये वाला आपको लिखना पड़ेगा कहीं पर, ए क्यू यहाँ पे चूंकि ए क्यू प्लस थ्री ए बी एस थ्री स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी एस स्क्वायर प्लस बी क्यू, तो मैं टीचर समझेगा इसको सेटिंग क्यों आप इस पे, देखो टीचर को सब पता रहता है लेकिन आपको पता नहीं कराता है, क्योंकि मैं हर एक वीडियो में लगभग बोलता हूँ कि एग्ज़ाम में आप टीचर रहते हो और टीचर या स्टूडेंट रहता है तो आपको समझाने कराता है, ठीक है, अच्छा यहाँ तो हो गया हुआ ना ए प्लस बी का होल क्यूब, ए यहाँ पे अंगूठा पे ध्यान दीजिए, देखिए ये ए हुआ ये ए क्यूब, ठीक है, तो क्यूब को हटा लेंगे ये ए दे देंगे, ये तो अंगूठा हुआ ए हुआ तो वन ए प्लस बी तो ये देखो बी स्क्वायर है स्क्वायर को हटा देंगे देखो ये बी हुआ ये बोला क्या हो गया बी हो गया तो बी तो ए प्लस बी का होल क्यूब, ठीक है, मैं अभी ऐसे करके लिखूंगा तो घोच मोच हो जाएगा इस टाइप का गैदरिंग हो जाएगा इसलिए आप मुझसे समझिए, यहाँ तो कोई दिक्कत, अब यहाँ पे क्या करेंगे बराबर देंगे, अब देखो अब तो हो गया, हाँ यहाँ पे ये कॉस्ट दे सकते हो आप ऐसे, देखो इधर आप ये वाला दे दिए ना आप इधर वाला ये दे दिए तो इधर भी ये देना जरूरी है, ठीक है, आप ऐसे करके क्यों तो इसको तो बंद तो करोगे नहीं तो भाग जाएगा ऐसे समझो, अब देखो आप यहाँ पे इसको आप ऐसे करके लिख सकते हो कोई टेंशन नहीं है, ठीक है लिख सकते हो तीन, देखिए कोस से कोई बात नहीं है, ठीक है, आप ये वाला दो
या मझली कोस दो, जिसको मिडिल ब्रैकेट बोलते हैं, कर्ली ब्रैकेट भी बोलते हैं, वो तो कुछ भी दो, उससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन एक एक से याद रखना, इधर जो ब्रैकेट देंगे इधर भी वही ब्रैकेट देंगे। इसको आप ऐसे करके लिख सकती हो, कोस है ऐसे करके लिख सकते हैं। मैंने गलती थोड़ी क्या, कुछ दो दो में चार हो गया ये यहाँ पे, फिर इसको ऐसे कर ऐसे उतार दिया, ठीक है, फिर यहाँ पे ये तीन दे दिया, फिर दो है तो दो है, फिर मैंने कोश को चेंज कर दिया। देखो चेंज क्यों किया, क्योंकि देखिए अच्छा लगेगा देखने में, नहीं तो ऐसे लिखना पड़ता तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता। एक सेकेंड, देखो ऐसे लिखना पड़ता तो अच्छा नहीं लगता देखने में। देखो इस टाइप अगर नहीं करते तो ये लिखते, फिर ये जो ब्रैकेट है ई ब्रैकेट लिखते हैं, फिर कोस लिखते हैं, फिर यहाँ पे ऐसे करके लिखते हैं, ठीक है, फिर ये कोस का थीटा यहाँ पे, देखो थोड़ा थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है देखने में, इसलिए देखो ये भी ये वाला अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए मैंने इसको थोड़ा चेंज कर दिया था, अब थोड़ा खूबसूरत लग रहा है, ठीक है, ठीक है, खूबसूरत लग रहा है। इसलिए मैंने मैंने यहाँ पे कोस था ना, इसलिए मैंने ये वाला कोस को फिर ये वाला कोस नहीं देके ये दे दिया। तो उस सब पे आप टेंशन मत कीजिएगा, वो सब नॉर्मल चीज हुआ। अब देखो बराबर देंगे, अब क्या करेंगे, अब शुरू शुरू में अपने लोग क्या किए थे, शुरू शुरू में अपने लोग क्या किए थे, शुरू शुरू में अपने लोग यहाँ पे ये निकाले थे वैल्यू, ये निकाले थे ना यहाँ पे ये, इसको आप इक्वेशन वन भी दे सकते हो, ए भी दे सकते हो, यहाँ पे एक सेकेंड देखो निकाले थे कि नहीं निकाले थे, इसका ये वैल्यू निकाले थे, इसको एक या ए या कुछ जो मन तो मान सकते हो वो यहाँ पे पुट कर देंगे। यहाँ पे क्या है देखो, ये इसकी एक और बात, ये भी इसकी एक और बात, तो कॉस उसका थीटा हो गया, ये सेंटीटा की कॉस, तो यहाँ पे क्या दे देंगे, सेंटीटा दे देंगे, ठीक है, ऊपर में क्या दे देंगे, यहाँ पे स्क्वायर दे देंगे, इसको चुपचाप उतार देंगे ऐसे करके, ठीक है, यहाँ पे तीन जो टू, फिर इसका भी क्या दे देंगे, सेंटीटा, ऊपर में स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे, इसको ऐसे करके उतार देंगे। अब आपको लिखना पड़ेगा कि ये वाला आप यहाँ पे कैसे दे दिए, तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा रीजन में, तो लिख दो फ्रॉम इक्वेशन, एक मान तो एक, लू तो ए मान तो मैंने आम कटा लीजिए कुछ भी मान सकते, हालांकि मजा किए ए या एक ज़्यादातर माना जाता है, ठीक है, ये हो गया। अच्छा अब देखो आप यहाँ पे इसको तोड़ोगे तो साइन का अच्छा हो गया, साइन थीटा ए को दो बार करेंगे तो दो नहीं हुआ, मतलब साइन थीटा को दो बार लिखेंगे तो दोबारा साइन का थीटा पूरा में पावर जुटता है, इसको सेकंड को उतार देंगे, ठीक है, ये तीन दे देंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन भी कर सकते थे, ये बोले बराबर ब्रैकेट है ना बिग ब्रैकेट, आप इसको स्मॉल भी कर सकते थे, कोई टेंशन नहीं है, तो ये है इसको ऐसे करके उतार सकते थे, यहाँ उतार देंगे, वही वाला डायलॉग हो गया, कहने का मतलब या पीछे वाला ये वाला, इसको तोड़ेंगे तो ये आ गया, इसको तोड़ कर ये आ गया। अब देखो अब एक लाइन बढ़ाने का कुछ मतलब मतलब ही नहीं बनता है, कुछ एक लाइन बढ़ाने का, यानी कि अभी ब्रैकेट हटाने के चक्कर में आप इसे करके लिखोगे, क्या टेंशन है, ये वाला लिखो या ये वाला लिखो, बात बराबर ही हुआ, ठीक है, कोई फर्क पड़ता नहीं है, तो इसलिए क्या दे देंगे यहाँ पे एक, ब्रैकेट चेंज करो, बार बार बोलते ब्रैकेट से कोई बहस नहीं, तीन दे दो ही, तीन हुआ ना, अब यहाँ पे प्लस है तो प्लस दे देंगे, दो है, फिर सोचो दोनों का फॉर्मूला क्या हो जाए, एक होता है ना साइन का थीटा एक माइनस क्या हो गया एक, आप रीजन भी दे ही सकते हो, लेकिन यहाँ पे लिखा ही है तो यहाँ तक कोई टुकड़े बनता है, ठीक है, अब यहीं को यहाँ पे उतार दो, लिख दो यू नो दैट साइन का थीटा प्लस कॉस का थीटा एक, देखो एक को तीन बार लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, एक ही होगा, एक को कितना बार लिखेगा, एक ही होगा ना, तीन चार पाँच वाटे पर कुछ मिलेगा तो वही का वही होगा, जोर दो है तो दो हो गया, दोनों के बीच में कुछ नहीं तो क्या गुना है, एक मत से गया तो क्या हो गया जीरो, होगा कि नहीं हुआ, हुआ ना एक मत से गया तो जीरो, आप ऐसे करके काट भी सकते हो। अच्छा एक प्लस दो को जीरो से गुना करें, कोई भी संख्या को जीरो से गुना करते हैं तो क्या होता है जीरो, जो जो जीरो से टकराता है वो जीरो हो जाता है, तो वही है जीरो हो गया। अच्छा एक में जीरो से जोड़ेंगे तो क्या होगा, एक होगा, तो ये अपने लोग का क्या हो गया, एक क्या हो गया अपने लोग का आंसर, फिनिश खत्म हुआ ना। अब एक के एक के केस में एक को कितना बार पर लिखेंगे, देखो एक क्या आएगा, क्लियर, आई होप आपको अच्छा लगा होगा, आप समझे होंगे, कुछ अगर दिक्कत होगा तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे एक बार देख लीजिए, ये आपका क्वेश्चन था, मैंने कैसे बनाया, मैंने इस क्वेश्चन को
जो क्वेश्चन था इसको मैंने उतार लिया, फिर मैंने साइन थीटा दिया, एक दिया प्लस बराबर के तरफ, तो माइनस तक साइन स्क्वायर थीटा दे दिया, फिर इसको उतार दिया, इस दोनों को ये कर दिया। अब एक दो तीन कुछ हो मानो नहीं मानोता है तो नहीं मानो, फिर ये वाला जो है ये ऐसे करके उतार दिया। फिर मैंने सोचा कि यहाँ पर थोड़ा नज़र मारा, ठीक है थोड़ी देर रुक के नज़र मारा, फिर मैंने सोचा इतना से मैं कोमा निकाल सकता हूँ, तो इस सबसे मैंने कोमा निकाला, ठीक है। फिर मैंने सोचा इसको ऊपर देंगे इसको नीचा देंगे ये दोनों दोनों कर देगा तो ये आएगा, फिर ऊपर देंगे इसको नीचा देंगे तो ये आएगा, इसको ऊपर देंगे इसको नीचा देंगे ये आएगा। फिर मैं आगे नहीं बढ़ा, मैंने सोचा इसको चेक करते हैं सही है कि गलती है, प्लस 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 इसको इसे गुना के दिए, प्लस 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 इसको इसे गुना के दिए, प्लस माइनस माइनस इसको इसे गुना के दिए। फिर मैंने सोचा पूरा का पूरा ऐसा करके उतार दें, ठीक है। फिर मैंने इसको छेड़छाड़ नहीं किया क्योंकि मैंने सोचा कि ए क्यू प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यू के पास सेट हो सकता है, क्योंकि नाइन्थ टेंथ का नाइन्थ एट मेरा स्ट्रॉन्ग है, मेरा थोड़ा दिमाग चलता है क्योंकि नाइन्थ में मैं बहुत सारा अलजेब्रा फैक्टर बनाया हुआ हूँ, तो उस हिसाब से मैंने सोचा। फिर ये लेन एकदम सही था, कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन छोटा छोटा अच्छा रहा था आप लोगों की सुविधा के लिए, इस लेन को मैं उठा के यहाँ पर डाल दिया ये वाला में, इस लेन पर मैंने ऐसे करके उतार दिया। फिर मैंने सोचा कि ए क्यू प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस ए क्यू मतलब ए क्यू प्लस थ्री ए स्क्वायर बी गुना है प्लस थ्री ए बी स्क्वायर स्क्वायर फिर यहाँ पे प्लस बी क्यू इसको उतार दी। फिर मैंने सोचा इतना लंबा चौड़ा किसका फार्मूला होता है, इसका फार्मूला होता है यहाँ भी ये है तो यहाँ भी है, ये वाला भी यहाँ भी है यहाँ भी है, तो ये ए है तो एक जगह पे ये वाला है बी है थ्री ए स्क्वायर बी, तो बी का जगह पे उसका होल क्यू, तो इसको ऐसा करके उतार दिया। फिर मैंने सोचा चार को हम स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं तो दोनों चार, ठीक है। फिर इसको उतार दिए, फिर इसको भी इसी को फॉर्म में तोड़ दिए। फिर इस सोचे कि इससे हम देखा मारते पीछे में, यहाँ से मैंने देखा मारा यानी कि देखा यहाँ से ये देखा ये मान फुट करके फिर आगे बना दिया तो ईजी है। फिर दोनों का इसको तोड़ के फिर दोनों का फॉर्मूला एक हो गया यहाँ पे, फिर एक को तीन बार लिखेंगे तो एक जोड़ तो जोड़ दो तो दो गुना तो गुना एक एक होते एक जीरो आ गया, एक तो एक जोड़ तो जो का भागा गुंजर होता है ना बोर्ड मास उसका रूल अपना किए दो जीरो को गुना के तो जीरो आंसर हो गया। अब फिर भी अगर आप को नहीं समझ में आया होगा तो आप हमें कमेंट कीजिएगा और चैनल को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों सबके साथ शेयर कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, खतरनाक क्वेश्चन था, ठीक है। और दिक्कत होगा तो कमेंट कीजिए और सबको प्रेरित कीजिए मोटिवेट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। तो मिलते हैं बहुत ही जल्द, और आपको क्या सुझाव है आपका क्या सुझाव हुआ है आप किस टाइप का क्वेश्चन देखना चाहते हो तो वो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। मैं पूरा का पूरा कोशिश करूँगा कि उस पर लेक्चर देने का और वीडियो बना देने का। और साथ ही मेरा ऑफिशियल चैनल भी है सागर जय बायोलॉजिस्ट के नाम से, आप उसको भी चेकआउट कर सकते हो। थैंक